सबा इब्राहिम हुई प्रेगनेंसी में फिर से परेशान। सबा के फैंस के लिए आई बुरी खबर। सबा ने क्यों कहा अपने फैंस से कि दुआ करो। क्या कुछ हुआ चलिए आपको बताते हैं पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों सबा इब्राहिम जो कि बेशक टीवी एक्ट्रेस ना हो लेकिन फैन फॉलोइंग के मामले में किसी से कम नहीं है। पर अब सबा काफी ज्यादा परेशान है। सबा मम्मी बनने वाली है लेकिन प्रेगनेंसी का सफर सबा के लिए आसान नहीं है। जी हाँ हम आपको बता दें पहले भी सबा ने ये बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको ब्लीडिंग हो रही है। पर अब एक और बड़ी खबर आ गई है। वेल दोस्तों हम आपको बता दें कि सबा को डॉक्टर ने पूरी तरह से बेड रेस्ट बोल दिया है। जी हाँ सबा इस समय प्रेग्नेंट है और उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि सबा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत खुश हैं, अपना पूरा ख्याल तो रख रही हैं। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा घूमने के लिए ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया है। इसलिए अब ज्यादातर समय सबा अपने बेड पर ही बिता रही हैं। यहाँ तक कि अम्मी के बर्थडे पर भी सबा बेड पर रेस्ट करती रही। पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि दर्द में भी सबा मुस्कुरा रही हैं। सबा को PCOD है जिस वजह से उनको कंसीव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। पर हम आपको ये बता दें कि फाइनली जब सबा ने कंसीव करा तो ऐसे में सबा के परिवार ने और मायके वालों ने मन्नत मांगी है कि जल्द से जल्द सबा की गोद हरी हो जाए। सबा के शौहर उनका प्रेगनेंसी में पूरा ख्याल रख रहे हैं लेकिन सबा अब ज्यादातर टाइम अपनी अम्मी के पास ही बिताना पसंद कर रही हैं, जिससे उनको माँ का प्यार और दुलार इस मुश्किल समय में मिल सके। समय मुश्किल जरूर है क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी और ऊपर से कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन सबा उसमें भी मुस्कुरा रही हैं क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी दुआ कबूल होने जा रही है। वेल हम तो यही कहेंगे कि सबा ठीक हो जाए और एक प्यारा सा बेबी उनके घर में आए। आप भी अपनी दुआएं अपने विशेष कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।